So today I have the former Indian midfield Martial who has donned Indian football jersey for 10 years, Mehtab Hussain. Welcome to the show, Mehtab Da. तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो इंडिया की अभी रीसेंट परफॉर्मेंस रही थी सेफ चैंपियनशिप में, वो कैसी लगी आपको? देखो, फर्स्ट जब स्टार्ट किए थे तो अच्छा नहीं खेल रहे थे, जैसे जैसा दिन गया जैसे जैसा प्रॉब्लम में था, जो मैच जीतने था वो मैच जीता। अचीवमेंट को कभी भी छोटा नहीं कर पाऊंगा, मगर ये अचीवमेंट इंडिया जब भी खेला है ऑलमोस्ट डोमिनेट किया है ये ट्रॉफी यूनिसेफ कप। अभी आपको एशिया क्वालिफाई या एशिया वर्ल्ड कप क्वालिफाई, इसमें आपको अच्छा करना है। देखो, हम लोग ये नहीं बोलेंगे, हम लोग बहुत अच्छा किया था। आपको जो फैसिलिटीज मिल रहा है, आपको जो प्लेयर मिल रहा है, आपको ISL से प्लेयर मिल रहा है, आप जो ऑप्शन है उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है, तो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। आपको सोशल मीडिया में देख के कि फैंस क्या क्रिटिसाइज कर रहा है वो आपका काम नहीं है। काम है ये कि मेरे को टीम को कैसे आगे लेके जाना है, वो फोकस करना है। जितने के बाद आप बोलते हैं कि मीडिया या फैंस चेंज हो गया, ये नहीं है कि आप अभी सिर्फ एक सैफ कप और सैफ कंट्री से साथ जीते, आप सेंट्रल ईस्ट एशिया बा चाइना या तुम्हारा जाके कतार कुवैत या तुम्हारा जाके जापान कोरिया, इन लोग से नहीं जीते। तो आपको काम रहना है, आप एक नेशनल टीम का कोच हो, जितना आप बात करोगे उतना आपको आदमी खींचेगा। तो आपको ये सोचना है कि इससे इसके बाद क्या आपको ज्यादा ये इसमें सोशल मीडिया या क्रिटिसाइज जो करते हैं उसका ऊपर फोकस नहीं करना है, कि आप एक टाइम में खेले हो, आपको मालूम है कि मेरे को कैसा जाना है या कैसा क्रिटिसाइज जो करता है उसको कैसा प्रूफ करना है मेरे को। तो आपको आपका काम से आपको प्रूफ होगा। आप यदि अच्छा एशिया में जापान कोरिया या एशियाड में या एशियन क्वालिफाइन में यदि अच्छा की, तो आपको सब सहारेगा, सब आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको कोई मुंह खोलने का जरूरत ही नहीं है, आपका काम आपका बात करेगा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि अभी तक जब कांस्टेंट टाइम थे तब तक हम लोग लॉन्ग बॉल पे ज्यादा ध्यान देते थे, जब से एगोरिस्टी मैच आया हम लोग ने वो पासिंग और पोजेशन बेस्ड गेम स्टार्ट किया है, तो क्या ये सुटेबल है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए कि डायरेक्ट आप नेशनल टीम में? देखिए, हर कोच का एक अलग अलग मेंटेलिटी रहता है, हर कोच का अपना अपना वो ऑनर में खेलते हैं कि मैं पासिंग फुटबॉल खेलूंगा या टिकी टाका फुटबॉल खेलूंगा या लॉन्ग फुटबॉल खेलूंगा, मगर उसके साथ साथ मैं हमारा क्या स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करना है। ये ठीक है, हमारा प्लेयर का टेक्निकली साउंड है तो आपको उसके ऊपर काम करना है, नहीं है तो चलो डायरेक्ट फुटबॉल खेलना है। तो कॉन्सेंट सोचे थे कि मेरे को ये खेलना है, ये इसी में सक्सेस मिलेगा, और स्टीमेज समझ रहे कि मेरे को इसी में करने से इसको सक्सेस मिलेगा। तो आई थिंक ये मेंटेलिटी समझना है हमारा पास क्या स्ट्रेंथ है। ये सैफ कप में तो खेल लिए, सैफ कप में पहले दो मैच श्रीलंका बांग्लादेश के साथ अच्छा रिजल्ट मिला, उसके बाद अब आस्ते 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 करके टीम खेलने लगा। मैं पहले ही बोला था कि बैठ के बात करो सीनियर प्लेयर या बिटवीन कोच के साथ एक साथ बैठ के बात करो, ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया छोड़ दो, क्यों क्या क्रिटिसाइज करें, आप चैंपियन होगा सब आपको अप्रिशिएट करेगा, और कुछ काम नहीं। अब हमारा जो फूड मैंने इंटरटेनमेंट करता है पब्लिक को, वो जो ग्राउंड में हो या तुम्हारा जाके कोई भी स्पोर्ट्स हो, आपको ग्राउंड में उतर के आपको वहां पे प्रूफ करना है। आपको जो कौन लिखा क्या लिखा उसमें देख के आपको फायदा नहीं है, वो काम नहीं करेगा आपको। तो यही है कि अभी आपके नेक्स्ट जब लेवल में जाओगे आप क्या ये पासिंग फुटबॉल खेल पाओगे, 4-5 पास या 10 पास खेल पाओगे, ये आपको सोचना है कि यहाँ से कैसा निकलो, यहाँ से एशिया कप में कैसा अपना अच्छा ये करो रिजल्ट करो, ये सोचना है बस। यही आपको आपका स्ट्रेंथ से काम करना है बस, और कुछ नहीं। मैं सक्सेस दूंगा मैं रहूंगा, मैं सक्सेस नहीं दूंगा मैं नहीं रहूंगा, ज्यादा बोलने का वो नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि अभी बहुत सारे यंगस्टर्स आए, हमने देखा कि पहले थोड़ी ओल्ड एज टीम थी मगर अब बहुत सारे यंगस्टर्स है हमारे इंडियन फुटबॉल टीम में, तो उनमें से आपका सबसे फेवरेट यंगस्टर कौन है और क्यों? देखो, मैं पुनिया को बहुत फॉलो करता हूँ, लास्ट ईयर भी मैं ISL मैच देखा हूँ,
मैं खुद को बहुत क्लोज से देखा हूँ, हर मैच उसका फॉलो करता हूँ। मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरा पोजीशन, मैं वही पोजीशन में खेल रहा था कि ही इज आउटस्टैंडिंग, माने कौन सा है, कौन टाइम टर्न करना पड़ेगा, कौन टाइम बॉल स्नैच करना पड़ेगा, कहाँ पे बॉल आ सकता है, मैं वहाँ पहुँचूंगा। मैंने उसका जो आइडिया, ये इस उम्र में, इस एज में वो इतना अच्छा फुटबॉल खेला, जितना दिन जाएगा वो और भी पॉलिश होगा और भी अच्छा खेलेगा। तो आई थिंक मेरा प्रे रहेगा कि वो कंटिन्यू एटलीस्ट कंट्री के होके 10 साल 15 साल खेले, के कंट्री उसका वो जो परफॉर्मेंस, उसका जो फुटबॉल है उससे बेनिफिटेड हो। अपुया ने रिसेंटली अभी ISL में 80 के मोहन बगान के लिए साइन ना करके मुंबई सिटी के लिए साइन किया है, और सर्जियो लोबेरा भी छोड़कर चले गए मुंबई सिटी। तो आपको क्या लगता है वो सही डिसीजन है अपुया का? देखिए ये तो टाइम ही बताएगा कि क्या कौन कोच आया है, कौन कैसा उसको यूज करेगा कोच, तो उसका कोच के ऊपर है। कोच शायद मैच देखा होगा, जो नया कोच आया है कि वो कैसा खेल सकता है, वो डिफेंसिव मिडफील्डर दो डिफेंस के ऊपर स्क्रीनिंग खेलता है, तो वो जगह बहुत वाइटल है, वो वहाँ से खेला स्टार्ट होता है। तो अभी के इस टाइम में, रिसेंट टाइम में ही इज द बेस्ट, कोई नहीं है उसके जैसा, मैंने मीन्स ये मिडफील्ड में, कि वो इतना ऑर्गेनाइज कर सकता है, हर बॉल में टैकल कर सकता है, हर पूरा कोई मिस पास नहीं करता है, ही इज आउटस्टैंडिंग। मेरा चौथा क्वेश्चन है कि इंडियन फुटबॉल जो है वो उस पेस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग ISL में बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, आई लीग को भी बढ़ा रहे हैं, मगर क्या कमी रह जा रही है जो इंडियन फुटबॉल आगे नहीं बढ़ रहे पेस पे? देखो हमारा जो स्पेस है वो कुछ सरकार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि इंडियन फुटबॉल को कैसे आगे लेके जाए। देखो क्रिकेट तो BCCI के हाथ में है, वो तो चलते रहेगा, वो उसका काम, जहाँ पे वो पहुंच गया है वहां से और नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा मगर नीचे नहीं आएगा, कि हमारा वो रिलीजन हो गया, क्रिकेट जैसा रिलीजन हो गया। तो फुटबॉल को बनाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आगे आके, केंद्र सरकार, उनको आगे आना पड़ेगा कि क्या हेल्प चाहिए, AIFF को पूछना है। हर स्पोर्ट्स में आप ध्यान दो, देखो हमारा तो इंडिया को सब पहचानता है पॉलिटिक्स के हिसाब से, व्हाई नॉट स्पोर्ट्स, व्हाई नॉट फुटबॉल? फुटबॉल ग्लोबल गेम है, आपको जितना फुटबॉल हम लोग का इम्प्रूव करेगा, जितना रैंकिंग अच्छा होगा, उतना हमारा देश का एटलीस्ट फुटबॉल के बारे में पहचानेगा। हमारा क्रिकेट को धरो ब्राजील कोई नहीं जानता है, लैटिन अमेरिका नहीं जानता कि क्रिकेट क्या होता है, तो वहां तक पहुंचाना। फुटबॉल ऐसा चीज है कि हर एक कंट्री, हर एक बच्चा फुटबॉल खेलता है वर्ल्ड में, अभी आस्ते आस्ते इंडिया में भी आ रहा है। तो जैसे आपने बोला कि फुटबॉल के मतलब इंडियन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, साथ ही साथ क्या आपको लगता है नेक्स्ट सीजन से जो ये आई लीग का प्रमोशन ISL में होने वाला है और ISL की टीम रेलीगेट हो जाएगी, इस तरीके से भी इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा, क्यों, रेलीगेटेड होना चाहिए हर इसमें, जैसा इतना देखो एक ही तो 18 या 20 मैच है, वहाँ सारा वर्ल्ड में कोई खेलता नहीं है इतना कम मैच, 3 महीने का 3 मंथ्स का होता है, तो प्लेयर का इम्प्रूवमेंट बहुत कम होता है। आप देखो वर्ल्ड फुटबॉल में जो बड़ा टीम है या तुम्हारा जाके क्लब टीम बोलो, आप कितना मैच खेलता है, कंट्री लेवल कितना फुटबॉल खेलता है, आपको फुटबॉल खेलना पड़ेगा। मगर यहाँ पे देख रहा हूँ कोचेस लोग बोल रहा है, कोचेस बोल रहे बहुत ज्यादा मैच हो गया, एटलीस्ट एक प्लेयर को 55-60 मैच खेलना है पूरा साल, बोलता है टायर्ड हो जा रहा है प्लेयर लोग ये 20 मैच खेलने के बाद, किसी का इंजरी है, किसी का कॉर्डिसेप्स, किसी का हैमस्ट्रिंग, मेरे को तो मालूम नहीं है कि हम लोग जब स्टार्ट किए थे, हम लोग सबके ही बात बोल रहा हूँ मैं, मेरा सिर्फ अकेला, हम लोग ऑलमोस्ट 55-60 मैच खेलते थे। एक्सपीरियंस आपको गैदर करने, फिट, मैच फिट रहने के लिए आपको जब नेशनल टीम में जाते हो उस टाइम में नेशनल टीम का कोई ड्यूटी, नेशनल टीम कोच का कोई ड्यूटी नहीं रहता है, सिर्फ उनका उनका जो फुटबॉल खेलते हैं वो आपको दिमाग में डुबाना है, मगर जो प्लेयर जाता है फिट होके जाता है क्लब से, जो सारा साल खेलता है उसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वहां पे जाके कहीं पे कैंप का जरूरत नहीं है, आपको जाके 1 महीना कैंप करे उसके बाद टूर्नामेंट खेलने उतरे, ये सब प्लानिंग होता है। फिर जो माने जो डायरी बनता है, माने मीन्स पूरा साल का, कि कौन दिन मैच होगा, सैटरडे संडे से मैच होगा, सब आपको प्रोफेशनल, जब आप बोल रहे हो पूरा पूरी आपको प्रोफेशनली आपको लीग भी चलाना पड़ेगा, सिर्फ 3 महीने का लीग, उसके बाद प्लेयर लोग फ्री रहता है, आधा प्लेयर क्यों इंजरी होता है, क्योंकि सारा साल खेलता नहीं है।
अपने को फिट रहना बहुत 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 डिफिकल्ट है कि आप 3 महीना खेलो और तुम्हारा 9 महीना बैठ के रहो या 8 महीना बैठ के रहो, उसके बाद सिर्फ कैंप करो, ये नहीं होता है। आपको प्रोफेशनल जब बोल रहे हो आप टीम बढ़ाओ, आईएसएल में टीम बढ़ाओ, आई लीग में टीम बढ़ाओ, रेलीगेशन प्रोमोट दोनों ही रखो, तब आपको कंपटीशन आएगा। आईएसएल में क्या है, सिर्फ चलो भाई मैं टीम बनाया है, पैसा से टीम बनाया है, मेरे को रेलीगेटेड नहीं है, है ना। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम है लास्ट के 1-2 साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी है, हमारी रैंकिंग भी नीचे गई है, तो क्या इसका जिम्मेदार अकेले आइगर स्टीमैच है या फिर AIFF मैनेजमेंट भी इसके जिम्मेदार? देखिए सब कुछ कलेक्टिवली है, आपको किसी के ऊपर फिंगरिंग करना बहुत इजी है, ठीक है, आपको उंगली उठाना बहुत इजी है कि ये इसका दोष है, इसका गलती है, मगर मैं पहले आपको बोला कि आपको जो लीग है या इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच है, जितना इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलोगे, जितना नेशनल टीम खेलेगा, उतना हमारा रैंकिंग कमेगा, उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हमारा उनसे क्या काम है जो हम लोग नहीं सक रहे उन लोग से, या वो लेवल में नहीं पहुंच पा रहे, या रैंकिंग क्यों नहीं कम रहा। और भी इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलना पड़ेगा जो फीफा डेट में जो होता है मैच, खेलो ना, सारा वर्ल्ड में जाके खेलो, जितना इंटरनेशनल फ्रेंडली है आप बड़ा बड़ा टीम के साथ खेलो, अब देखो कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है। हमारा तो पैसा खर्चा हो रहा है कि अभी अभी जो फैसिलिटीज है, पहले इतना फैसिलिटीज नहीं था, तो क्या क्या है कि 7 गोल खाएगा 8 गोल खाएगा, मगर हमारा तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा वो प्लेयर लोग के साथ, क्या कहां पे हम लोग मार खा रहे हैं, सिर्फ सैफ कप में आके हम लोग चैंपियन हो रहे हैं, बहुत खुश है, उसके बाद जब एशिया में जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया में जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते से नीचे आ रहे हैं। तो हमको ये नहीं करना है कि हमको खेलना है कि क्या हुआ नहीं हुआ। देखो पहले जापान भी हमारा नीचे था, अभी जापान कोरिया हम लोग के ऊपर है, कि वो लोग वो थिंकिंग लेके चल रहे कि हम लोग को फुटबॉल ये लेवल में लेके जाना है, वर्ल्ड स्टेज में हम लोग को पहचाने के ना हम लोग फुटबॉल खेल सकते हैं। तो मेरा फाइनल क्वेश्चन है आपसे कि ट्विटर वगैरह पे सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड हो रहा है, इंडियन फुटबॉल फैंस चाहते हैं कि आइगर स्टीमैच हट जाए और कोई नया कोच आए, आपका क्या उस पर डिसीजन है, क्या ओपिनियन? देखो मैं लाने वाला मालिक नहीं हूँ, या मैं एक प्लेयर में खेला हूँ नेशनल टीम में, जो सुइटेबल होगा प्लेयर लोग के लिए, जो आगे बढ़ा सकता है, जो जिसका वो कलेजा है कि नहीं ये टीम को मैं लेके जाऊंगा, जो सोशल मीडिया जो फैंस लोग का प्रेशर ले सकता है कि मैं नेपाल जीतने के बाद मैं साइड में डांस कर रहा हूँ, ये कोच का बिहेवियर नहीं है। चलो भाई हर आदमी को रेस्पेक्ट देना है, अगेंस्ट टीम को वो छोटा हो या बड़ा हो, तो ये सोचना है AIFF को। मैं बोल के कि चेंज कर दो, चेंज नहीं होगा, या मैं बोलूं रखने के लिए ये नहीं होगा, ये AIFF को डिसीजन लेना है, सीनियर प्लेयर लोग से बात करना है कि ये कोच से आप लोग का बन रहा है कि बन रहा नहीं है, आप क्या क्या सोच रहे हैं। तो अभी सब कुछ AIFF के हाथ में, AIFF क्या करेगा। थैंक यू सो मच मेहता। थैंक यू।